वाह वाह दर्शकों, में गणपति कट्टा इस टीम को काफी बड़ा पसंदीदा किया है। सिक्का तो इनके पक्ष में गया, न्योता दिया पहले बल्लेबाजी करने का डैक्सन स्पोर्ट्स को। शुरुआत दिलाने के लिए धैर्यशील, पैरों में की भी गेंद, पैरों से लगकर गेंद गई पॉइंट की दिशा में, बढ़िया फेड वहां पर, पहला रन चुरा लिया वहां पर काफी तेजी से। पहला ओवर अनुराग द्वारा और अब स्ट्राइक पर स्ट्राइकर चेतनाम ने ये लपेटे में लेकर खेल दिया, अश्केले की दिशा में रन लेने की कोशिश मगर मना किया वहां पर धैर्यशील, ये लेदर बॉल के खिलाड़ी है भाई। शुरू से लेकर अब तक जो सफर तय किया डैक्सन स्पोर्ट्स की टीम ने, इस खिलाड़ी ने काफी रन बनाए, इनफॉर्म खिलाड़ी है। यह बढ़िया शॉट, कॉर्नर पॉइंट के सर के ऊपर से खेल दिया डीप ऑफसाइड की दिशा में, गेंद निकलती भी और निकल भी जाएगी चौके के लिए। ये राज मेटल चौका था, दस ओवरों का मैच है, देखना होगा पारी को किस तरीके से चलाएंगे ऊपरी क्रम के दो बल्लेबाज। या ठीक है, हल्के तो पंच किया इसे, ये बड़े मंच का बड़ा पंच। द क्विक लीड फर्स्ट रन टू कंप्लीट, ये उड़ाया गेंद को, ये मौका हो सकता है नीचे खिलाड़ी, ये ड्रॉप कैच, ये क्या कर गए भाई, आसान मौका गवाया और की समाप्ति। भाई मैं ये कहूंगा कि ये कैच नहीं छूटा, ये मैच छूट गया है। ऐसे कुशल मूवमेंट पर से बड़े मैच पे ऐसे कैचेस लपक नहीं चाहिए, भाग्य का साथ मिलता हुआ धैर्यशील शिंदे के लिए। कप्तान के कृष्णा आर्गे को लेकर आए कप्तान शिवाजी पाटलकर, ये कड़क शॉट सीधे बल्ले पे लिया, ऑनसाइड एरिया में खूबसूरती से खेल दिया इसे, जब तक शिवाजी इसे फील्ड कर दे। रिवर्स शॉट खेल दिया, बढ़िया स्टॉप डैनी द्वारा, पॉइंट की दिशा में खड़े डैनी वहां पर, तगड़े खिलाड़ी है। कृष्णा की अगली गेंद, ब्लॉकर की भी गेंद पैरों से टकराई, एक और अच्छी गेंद कृष्णा द्वारा। कदमों का इस्तेमाल किया, काफी बड़ा गैप में खेल दिया वहां पर और पीछे खिलाड़ी मौजूद, और जब तक थ्रो करते दो रन लेने में आसानी से।
रन बन गए 10 रन चेतन आमनी के स्ट्राइक पर। हल्की सी अपील भी सुभाष कांबड़े, बेहतरीन विकेट कीपिंग, काफी अच्छी विकेट कीपिंग भाई, बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं देते सुभाष। फिलहाल कृष्णा की अगली गेंद, आड़े बल्ले से खेलने गए, अच्छी गेंद वहां पर, ओवर की समाप्ति, सफल ओवर कहना होगा कृष्णा आर के द्वारा, 2 ओवर का खेल खत्म हो गया, रन बने केवल 10 रन। कंटिन्यू करवाते हुए अनुराग द्वारा, गणपति कट्टा स्पोर्ट्स को तलाश होगी 1 विकेट की। ये देखिए स्टेट पर ना लेके जाए, हाँ ऊपर लेकर जाए, ऊपर लेकर जाए, ये देखना होगा। गेंद गई सीधे स्टैंड में, बढ़िया पिक किया इसे, खेल दिया इसे राज बैटल 6 रनों के लिए। उन्हें सम्मानित किया जाए सर आपके हाथों से। एमके यांस के ऑनर, ये बढ़िया पिक किया वहां पर, काफी बड़ा गैप है, बढ़िया स्टॉप, शिवाजी क्या बढ़िया दौड़ लगाई, जानते ये बड़ा मैच है। विष्णुजीत तोतला सर, इनका भी इनका सत्कार बबन कोली सर, इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष बबन कोली सर ये करेंगे। धैर्यशील, क्या बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई इनकी ओर से, ये काफी छोटी गेंद के ये, और बढ़िया स्टॉप और बढ़िया कैच, ओहो क्या कमाल का एफर्ट, छलांग लगाई और कैच को लपकने में सफल हुए और बड़ी विकेट दिलाने में सफल हुए, धैर्यशील को चलता किया। और ऑन साइड से स्टेट गए वहां पर, दौड़ लगाए और कैच को लपकने में सफल हुए शिवाजी पाटलकर, वन डाउन के रूप में नए बल्लेबाज आने वाले।
प्रशांत। पहले के एरिया में खेल दिया खूबसूरती से, दो खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए देखना होगा, दो की मांग होगी, निकल पड़े दूसरा रन लेने के लिए और पूरे कर लिए दो रन। ये पहला मैच, पहला मुकाबला सेमीफाइनल का इन दो टीमों के बीच। भाई जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए। ये टॉप एज लिया अपने फॉलो थ्रो में, वो ड्रॉप कैच, आसान मौका गवाया और की समाप्ति। दोनों टीमें बराबरी के हैं, ये मैच दर्शकों को काफी बड़ा मैच रोमांच देखने के लिए मिलेगा। भाई कहीं जाइएगा नहीं सभी दर्शक। 20 रन, तीन ओवरों के समाप्ति के बाद 20 रन। कृष्णा को लेकर आए लेफ्ट आर्म गेंदबाजी के लिए रविंद्र जडेजा चौथवा ओवर करने के लिए। सामना करेंगे चेतन आमने। आड़े बल्ले से खेल दिया वहां पर मिड विकेट एरिया में, जब तक फील्ड होती गेंद, सिंगल ही मिलेगा। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं शुरू के ओवर्स में जितने रन आने चाहिए थे जॉर्डन जी, वो कहीं ना कहीं थोड़े कम दिखाई दे रहे वहां पर, और उसकी वजह ये क्या कमाल की गेंदबाजी। एक और अच्छी गेंद, कैरम बॉल की थी, एकदम से कांटा बदला गेंद ने। लेफ्ट आर्म है कृष्णा आर्गे का, इससे पहले का ओवर भी काफी बढ़िया किया, सफल ओवर किया था। तुरंत शिवाजी पाडलकर कप्तान साहब कंटिन्यू करवाते हुए। ऑन द स्ट्राइकर प्रशांत, ये बढ़िया शॉट खूबसूरती से एक्स्ट्रा कॉर के ऊपर से खेल दिया वहां पर, गेंद जाती हुई, दो की मांग। जब तक थ्रो करते दो रन आसानी से लेने में सफल हुए प्रशांत। प्रशांत के बल्ले से दो रन आते हुए इन्हीं दो रन के साथ ऐसे स्कोर आगे चलता हुआ 23 रन, 23 रन। कृष्णा की अगली गेंद, ये पिक किया इसे, That's a beautiful strokes. ये अच्छा शॉट है, ये राज मेटल वाला शॉट है।
उस समय में आपकी पारी खत्म होनी चाहिए। 5 ओवरों के बाद ही ड्रिंक्स ब्रेक किया जाएगा, टाइम आउट। फिलहाल रन बन गए 41 रन। भाई क्या कमाल के 3 छक्के लगाए प्रशांत इस खिलाड़ी ने। ये ब्लॉक होल की भी गेंद, बढ़िया स्टॉप, काफी अच्छी फील्ड। कपिल जासूस को लेकर आया गेंदबाजी करने के लिए, तेज गेंदबाज है कपिल जासूस। और द स्ट्राइकर प्रशांत, ये बिग एज, ये बढ़िया एज लगा है वहां पर।
लेट्स नाउ ड्रिंक्स ब्रेक यहां से खत्म होता हुआ रन बने 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में थे वहां पर, ये नीचे रहती हुई गेंद को समझ नहीं पाए। डिक्लेयर के तौर पर एक ही रन। कफिल जासूस की भाई जॉर्डन जी दांत देनी होगी इस ओवर में, दो बड़े झटके दिलाए, थोड़ी सी वापसी की है। नकल गेंद, गुडलैंड गेंद की थी वहां पर, अतिरिक्त उछाल लिया गेंद ने। ओवर की समाप्ति, यहां से पांच ओवरों का खेल खत्म हो गया है। पांच ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी के लिए लेकर आते हुए अपने पिटारे में से इन्हें निकाला है, इन्हें लेकर आते हुए कप्तान साहब शिवाजी पाटलकर अविनाश बरगे, इनके पास तजुर्बा है। अब तेज गेंदबाज है अविनाश बरगे और इनका सामना करेंगे गणेश मलके। डॉक्टर खान सर यहां पर मौजूद है, धन्यवाद डॉक्टर खान सर यहाँ पर मौजूद है, मंच पर बैठे इस मैच का आनंद लेने के लिए। भाई मैं उन्हें विनती करूंगा कि डॉक्टर खान कहीं ना जाइएगा, ये मैच खत्म होते दरख्वास्त होगी आपसे, आप भी एक खिलाड़ी हैं पेशे से डॉक्टर रहने के बावजूद, भाई काफी बड़ी बात है डॉक्टर खान के बारे में। ये मौका हो सकता है मगर काफी बड़ा गैप मिलता हुआ, दौड़ काफी अच्छी लगाई शिवाजी पाटलकर ने, स्वयं गए भाई, जान गए शिवाजी पाटलकर कि गणेश मलके इनका मन पसंदीद एरिया जो है वो फाइन लेग एरिया है, फाइन लेग एरिया में स्वयं गए वहां पर फील्डिंग के लिए। विनाश बरगे इनका सामना करेंगे प्रशांत, अच्छी गेंद, काफी जल्दी आए गणेश मलके इस मैच में, जानते ही ये बड़ा मुकाबला है, ये बड़ा मंच है इनके लिए, और ये हमेशा जब टीम मुश्किल में पड़ती है उस समय एकदम से खड़े उतरते हैं, अपने आप को साबित करते ड्रीम इलेवन गेम चेंजर्स के खिलाड़ी गणेश मलके। समीर मुल्ला सर इनका स्वागत करता हूं, हल्के हाथों खेलने के प्रयास, ओ गेंद जा रही थी भाई स्टंप पर, बल्ले से हटाया उसे। कल के सत्र में क्या मुकाबला जितवाया था, हीरो बने थे गणेश मलके, 16 गेंदों पर 36 रन बनाए और मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने। रन बन गए 46 रन, फिलहाल छठा ओवर चलता हुआ, ये बल्ले पे सही तरीके से नहीं आई, खिलाड़ी के हाथों में गेंद जाती हुई वहां पर, एक सफलता दिलाने में सफल भी है, अपने नाम कर गए एक
नए बल्लेबाज आने वाले राजू अंबी, मिडिल ऑर्डर पर आया राजू अंबी बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा क्या आज इनके बल्ले से रन बरसेंगे। इचकंजी प्रीमियर लीग के अध्यक्ष है ये, काफी बड़ी मेहनत उठाई इस टूर्नामेंट के लिए राजू अंबी ने। फिलहाल अभी जो विकेट गवाया है, बल्ले के ऊपर इससे भी गेंद लगी थी, पुल मारने की कोशिश थी वहां पर, शॉर्ट मिड विकेट एरिया में खिलाड़ी मौजूद थे, हाथों में दे बैठे कैच। और आप कप्तान साहब पैर से टकराई गेंद वहां पर, नतीजा डॉट। राजू अंबी के लिए ये बड़ा मैच है, आज अपना तजुर्बा इस्तेमाल करेंगे। दोनों खिलाड़ी काफी तगड़े खिलाड़ी, ये किनारा लिया वहां पर, ये क्या कितनी बड़ी गलती कर गए। राजू अंबी जैसे बल्लेबाज ने गलती कर गए भाई, पहली गेंद पैर से टकराई थी, दूसरी गेंद खेलने गए एक लंबी हिट लगाने के प्रयास में, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, कैच दे बैठे। मेरे ख्याल से थोड़ा समय ले लेते भाई, विकेट चली गई है, रनों की गति धीमी गति से चल रही है। और सामने नॉन स्ट्राइक पर गणेश मलके जैसे बल्लेबाज है, रन बने 46 रन, 6 ओवर का खेल खत्म हो गया है, रन बने 46 रन। यहां से अभी भी 4 ओवर अभी भी शेष है। राजू अंबी मेरे ख्याल से थोड़ा समय लेना चाहिए था, ऐसे नहीं भाई कि आपके हर गेंद आपके बल्ले पे आएगी। अगर आपको इंतजार करना चाहिए था आपके स्लॉट में गेंद आने का, राजू अंबी के बाद नए बल्लेबाज अशोक बंडगर और सामने है फायरमैन गणेश मलके। शॉट ऑफ लाइन गेंद, अतिरिक्त उछाल लिया गेंद ने, सचिन दौड़ के इनके ओर से। अशोक बंडगर अगर छक्का लगाते हैं तो 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा अशोक बंडगर के लिए। प्यार से टकराई गेंद, खेलने गए, इंतजार किया था, गेंद के लाइन में नहीं आ पाए, काफी जल्दी खेल गए और उसी के चलते मिस टाइम कर गए गणेश मलके। इन पे काफी उम्मीद होगी डैक्सन स्पोर्ट्स की। ये फ्लैश शॉट, ये तो जाएगी सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर। वन बॉस राज मेडल 4 रन।
गणेश मलके के बल्ले से चौका आता हुआ। मैंने अभी अभी कहा कि इनसे उम्मीद कप्तान साहब करेंगे रनों की। फिलहाल सातवां ओवर चल रहा है, अभी भी तीन गेंदें बाकी है। रन बन गए डेक्सन स्पोर्ट्स के 50 रन। ये किनारा लिया, बड़ी विकेट, गणेश मलके को चलता क्या वहां पर। सचिन दवड़ते, इनके ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा अशोक बंडगर के लिए। अगर लगातार दो छक्के लगाते हैं तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और एक भी लगा लेते हैं तो 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिलहाल नए बल्लेबाज आने वाले रवि किरण। ये ब्लॉक होल की भी गेंद, ये कड़क शॉट है ऑन साइड एरिया में। भाई संदीप ने गणेश मलके को शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की जिस गेंद पर आउट हुए, और जॉर्डन जी अभी जो गेंद की वो सीधे ब्लॉक होल की। इससे पता चलता है गेंदबाजी की धार। भाई एक के बाद एक विकेट गिरते जाती हुई डेक्सन स्पोर्ट्स की। अशोक बंडगर ये स्ट्राइक पर, इस लोर गेंद की खेल दिया स्क्वायर लेके दिशा में बड़े आराम से और आसानी से एक ही रन आता हुआ। ओवर की समाप्ति, केवल 6 रन दिए और एक डेंजर मैन खिलाड़ी को डिसमिस किया। गणेश मलके जैसे बल्लेबाज को डगआउट में वापस भेजा। ये पिक किया ऐसे पॉइंट की दिशा में, यस लो थोड़ी सी अड़बड़ाहट वहां पर, ये खराब थ्रो, एक मौका गवाया। यस नो, थोड़ी सी अड़बड़ाहट दोनों बल्लेबाजों के बीच। ये देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, मुझे काफी खुशी हो रही है। दर्शक मेरे ध्यान दीजिए, मेरे मैं अनाउंस कर रहा हूं, इस टूर्नामेंट का जो कल जो मुकाबला होने वाला है, महामुकाबला, फाइनल का अंतिम मैच, उस मैच के लिए दर्शकों के लिए बड़ा मौका है। बाउंड्री लाइन के बाहर जो दर्शक कैच को लपकेगा, उस क्राउड के लिए, उस दर्शक के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा इच्छेगंजी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कल के लिए। एक सीधे बल्ले से खेल दिया वहां पर, बढ़िया फील्ड। ये बल्ले पे सही तरीके से नहीं आए, बल्ले के ऊपर हिस्से पे गेंद लगी, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई डिक्लेयर के तौर पर, एक ही रन। भाई कल का महामुकाबला जो होगा उसमें खिलाड़ियों के लिए भी काफी बड़े प्राइज है। हर छक्के के लिए, हर खिलाड़ी हर छक्के के लिए एसोसिएशन की तरफ से 200 रुपए का इनाम है, और दर्शकों के लिए भी
बाउंड्री लाइन के बाहर जो दर्शक कैच लपकेगा उनके लिए भी 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा एसोसिएशन की तरफ से। भाई अभी से टिकट खरीद लीजिए, ये कड़क शॉट है, ये अच्छा शॉट है, मगर सीधी खिलाड़ियों के हाथों में गेंद गई। एक ही रन, रन बने 55 रन, आठवां ओवर शुरू है। अशोक बंडकर के लिए छक्के के लिए, एक छक्के के लिए 200, दो छक्के के लिए 500, एक छक्के के लिए भी 500 रुपए का इनाम है। सीधे बल्ले से ऑन साइड एरिया में खेल दिया वहां पर। अशोक बनकर के पास तजुर्बा है भाई, 20 सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, इनके पास 56 रन बचे हुए निचले क्रम के ओवरों में, इनसे उम्मीद करेंगे कप्तान साहब। और द स्ट्राइकर रवि किरण पाटिल, ये ब्लॉक कॉल की भी गेंद, बढ़िया शॉट, ताकतवर शॉट खेल दिया, रन लेने की कोशिश मना किया, सही कॉल कहना होगा वहां पर, नॉट आउट। भाई ले लीजिए, आपके पास रिव्यू है तो ले लीजिए भाई। अंपायर कॉल, थर्ड अंपायर।
घुमा, दो रन बटोरे, रन बन गए यहां से 62 रन। इस ओवर के अभी भी दो गेंदे बाकी हैं, नौवां ओवर चलता हुआ, रन बने 62 रन, 7 विकेट चली गई। ऑन द स्ट्राइकर रवि किरण, ये बल्ले का टॉप एज लिया, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, एक और विकेट, 8वां विकेट गिरता हुआ। ठोको भाई ठोको, डीजे वाले। बैट्समैन नितिन भुगड़, द 62 रन, सती गेंद, 9 ओवरों का खेल खत्म हो गया, रन बने 62 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। नौ ओवरों का खेल खत्म हो गया है, रन बने 62 रन। विनिंग संपल्यानंतर 3 मिनिटात फिल्डिंग लावायची आहे, 3 मिनिटात पंचाने मॅच चालू करायचा आहे, आणि ह्यानंतर होणारा दुसरा सेमीफायनलचा सामना, हा सामना संपल्यानंतर लगेच तो भी सामना 3 मिनिटात चालू होईल याची नोंद घ्यायची आहे। दोन्ही संघाने तयार राहायचं आहे, लाईनअप होईल आणि लाईनअप होऊन तिथं विकेटवर टॉस पडेल याची नोंद घ्यायची आहे। दोन्ही संघाने तयार राहायचं आहे ह्यानंतरची मॅच। कपिल जासूस, ये टॉप एज लिया था बाबर, डिक्लेयर के तौर पर रन आता हुआ। भाई दांत देने की गणपति कट्टा स्पोर्ट्स की, जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक जो गेंदबाजी की है दिनेश, चाहे वो दिनेश हो अविनाश बर्गे हो, ये जो टीम अब तक का जो सफर तय किया गणपति कट्टा स्पोर्ट्स की टीम ने, सुपर ओवर में ऊपर आई है। यह हेलीकॉप्टर शॉट सीधे बल्ले से खेल दिया वहां पर, मगर एक ही रन, रन बन गए 64 रन, 64 रन, 8 विकेट लॉस। नितिन भुगड़ ये लंबी लंबी हिट्स लगाने में माहिर है, ये खेल दिया मिड विकेट एरिया में, वहां पर स्लोर फुल टॉस का मौका नहीं उठा पाए भुगड़। अभी भी 3 गेंदे बाकी आखिरी ओवर के, रन बने 65 रन। सुभाष लाके, गुडलेंथ गेंद की चतुराई से, भाई आज काफी बढ़िया गेंदबाजी की है, गेंदबाजों का बोलबाला रहा है इस मुकाबले में। ये खिलाड़ी खास करके जिम्नाशियम का ये टूर्नामेंट खेलने के लिए बॉम्बे से आए। एक और बढ़िया गेंद, सटीक लाइन और लेंथ से, ये देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई गेंदबाज लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करता है ना, तो भाई बल्लेबाजों को सोचने में मजबूर कर देते हैं,
और वहां पे गलती कर देते बल्लेबाज किसी भी तरह का स्ट्रोक्स खेलने के लिए। ये लीजिए काम बन गया भाई, पारी समाप्त, सरों का खेल खत्म हो गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्का जो है वो गणपति कट्टे कट्टा स्पोर्ट्स के पक्ष में गया। न्योता दिया डैक्सन स्पोर्ट्स के कप्तान से कहा कि पहले आप बल्लेबाजी कीजिए, रनों का पीछा हम करेंगे। और देखिए क्या खड़े उतरे सभी गेंदबाज गणपति कट्टा स्पोर्ट्स के, छोटे लक्ष्य में रखने में रोकने में सफल हुई टीम। रन बने पहले बल्लेबाजी करते हुए डैक्सन स्पोर्ट्स के 65 रन। अब डिपेंड करने हैं गणपति कट्टा स्पोर्ट्स पीली जर्सी चेन्नई सुपर किंग को 66 रन, और देखना होगा 66 रन किस तरह मिनटात दुसरा सेमीफायनलचा चालू होईल सामना, याची नोंद घ्यायची आहे। ज्यावेळी सामना संपेल त्यावेळी दोन्ही संघ लगेच विकेटवर जायचा आहे, पाहुण्यांना बोलवून टॉस होईल, टॉस नंतर तिथंच निर्णय द्यायचा आहे आणि मॅच लगेच चालू करायची आहे। बॅट्समॅन लास्ट वॉर्निंग शिवाजी, डिफेंड करने निकल पड़े ओपनिंग के तौर पर शुरुआत दिलाने के लिए अविनाश बरगे और शिवाजी पाटलकर। डैक्सन स्पोर्ट्स की पहले तीन ओवरों के बाद पहली विकेट गिरी थी, चौथवें ओवर में सम्मानजनक रन बनाने में सफल हो गई थी। प्रशांत और धैर्यशील काफी अच्छी शुरुआत दिलाई थी, मगर जैसे धैर्यशील आउट हुए एक के बाद एक विकेट गिरती गई और छोटे लक्ष्य रखने में सफल हुआ। ऐसे नहीं कि भाई ये मैच इतना आसान भी होगा जॉर्डन जी, छोटा जो लक्ष्य होता है वो काफी खतरनाक साबित होता है इस मैदान पर। मजा आएगा दर्शकों को ये मैच देखने के लिए। 60 गेंदों पर रन चाहिए 66 रन। राजू अंबी काफी जल्दी लेकर आए अपने मेन गेंदबाज को वसीम चौस, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, लेट्स नाउ।
ये कट किया वहां पर मिड विकेट एरिया में, खूबसूरती से खेल दिया इसे एक रन के लिए। डैक्सन स्पोर्ट्स के सबसे मेन गेंदबाज है ये, विकेट टेकर गेंदबाज वसीम चौस। अच्छी गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, नतीजा डॉट गेंद। गणपति कट्टा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, जानते छोटा लक्ष्य है। ये बढ़िया, क्या और ड्रॉप कैच, क्या फाट दिखाया था। क्या छलांग लगाए थे भाई, दर्शक भी देखते रह गए इस कैच को। स्क्रीन पे दिखाइए सर, एक समय ऐसा लगा कि कैच को लपकने में सफल हो गए। आखिरी के मोमेंट पर हाथों से चिपकी गेंद, हल्के हाथों प्लेसमेंट किया, थोड़े से फैन रह गए, चुरा लिया एक रन। स्ट्राइक रोटेट करते हुए अविनाश बरगे, ये लपेटे में लेकर खेल दिया मिड विकेट एरिया में, एक पीछे खिलाड़ी, एक ही रन मिलेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद, शिवाजी पाटिल करिए स्ट्राइक पर। ये किनारा लिया वहां पर, एक और मौका गवाया और की समाप्ति। ये देखिए ऐसे हाफ चांस, ऐसे कुशल मोमेंट पर, ऐसे बड़े मुकाबले में लपकने चाहिए भाई। एक ओवर का खेल खत्म हो गया, रन बने चार रन बिना कोई नुकसान के गणपति कट्टा स्पोर्ट्स के। चार रन, दो मौके जरूर गवाए हैं डेक्सन स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने। पहला मौका शॉर्ट मिड विकेट एरिया में कैच ड्रॉप किया अविनाश बरगे का, उसके बाद शिवाजी स्लिप में कैच ड्रॉप किया राजू अंबी। ये मौका है, ये कैच ड्रॉप, ये क्या कर गए वहां पर भाई। गेंदबाज को गेंद करने के बाद अपने फॉलो थ्रो में थोड़े से पीछे रह गए राजू अंबी। ये दूसरा मौका मिलता हुआ, तीन हाफ चांस गवाए। भाई जॉर्डन जी, एक नहीं दो नहीं तीन कैच ड्रॉप हुए यहां पर, तीन तीन कैचेस ड्रॉप होना मानो वो कहते हैं ना भाई कि पकड़ो कैच जीतो मैच। इस तरीके के कैच अगर ड्रॉप करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरी टीम को। राजू अंबी, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी लाइन है,
शुरू से लेकर अब तक गेंदबाजों का बोलबाला रहा है इस मुकाबले में। आज विकेट का रुख कुछ अलग दिखाई देता हुआ। यह कड़क शॉट है, चेतन नाम ने यह खतरा सकते वहां पर निकल पड़े वापिस। सही कॉल कहना होगा शिवाजी, गुड कॉल कहना होगा शिवाजी द्वारा, वापिस भेज दिया अपने जोन में। भाई शिवाजी करे कि इतनी जल्दबाजी ना करे। कांटे की टक्कर, प्रेशर वाला यह मैच। ये पिक किया, फाइन लेग एरिया में खेल दिया, छोटी गेंद की थी, डिक्लेयर के तौर पर एक ही रन। यस थोड़ा जल्दी जाए गेंद लेकर, रन बन गए 5 रन। फिलहाल दूसरा ओवर चलता हुआ राजू अंबी द्वारा। ये मौका है, ये मौका मौका राजू अंबे अपने नाम कर गए। बल्ले अविनाश बरगे को चलता किया, एक लंबी हिट खेलने के प्रयास में बल्ले पे सही तरीके से गेंद नहीं आई। ऑन साइड एरिया में खेल दिया फ्लैट शॉट, गेंद गई सीधी गोदी में। धैर्यशील शिंदे ने कोई गलती नहीं की। गणपति कट्टा स्पोर्ट्स की ओर से पहली विकेट गिरती हुई। ठोको भाई ठोको, थैंक यू डीजे। ये किनारा लिया, अपील काफी जोर से हुई वहां पर। निकल पड़े अंपायर, देखना होगा डिस्कस करने के लिए। अपील तो काफी जोर से हुई है। धन्यवाद। गुड डांस सर, आनंद हजारे सर, बढ़िया डांस भाई, दर्शक खुश। फिलहाल वसीम चौहान उसकी अगली गेंद, नॉट आउट डिसीजन दिया वहां पर। 2 ओवरों का खेल खत्म हो गया, रन्स बने केवल 5 रन। 2 ओवरों का खेल खत्म हो गया, केवल 5 रन। डॉक्टर खान सर भाई हिलिएगा नहीं सर आप, ये मैच
इसको लेके दिशा में खेल दिया वहां पर डिक्लेयर के तौर पर एक ही रन। ये मैच अभी भी दोनों तरफ है, दर्शकों को मजा आएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा यह मैच। वसीम जॉस की अगली गेंद, क्या पकड़ बनाई है डेक्सर स्पोर्ट्स की गेंदबाजों ने। ये फ्लैट शॉट फाइनल एरिया में गैप में खेल दिया वहां पर, ये अच्छा शॉट है, ये चार रन देने वाला शॉट है, ये राज बेटे। शिवाजी ये स्ट्राइक पर, सीधी जड़बे की भी गेंद, ब्लॉक हॉल की भी गेंद, जगह बनाकर खेलने के प्रयास में थे, चकमा दिया, मिस टाइम कर गए, नतीजा डॉट गेंद। कमाल की गेंदबाजी वसीम चौज द्वारा, बायां हाथ के गेंदबाज है, ये क्या ड्रॉप, ये बढ़िया शॉट, ये अच्छा शॉट खेल दिया इसे पॉइंट के सर के ऊपर से, गेंद निकलती हुई चौके के लिए। ये रॉकेट शॉट है, ये राज मेटल शॉट है, वन बॉस चार रन भाई, तीन गेंदों पर। पहले गेंद पर एक ही रन लिया, उसके बाद रन बन गया 18 रन। प्रवीण जी अग्रवाल यांचा कमिटी तर्फे सहर्ष स्वागत। ये फ्लैग शॉट, ये मौका है, एक और ड्रॉप कैच भाई, मिल जाएंगे चार रन, क्या ड्रॉप किया, हाथों से चिपक कर गेंद गई चौके के लिए। लैक्सन स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ियों ने कैचेस काफी ड्रॉप किए। अब यहां से 42 गेंदे,
रन चाहिए जीत के लिए 44 रन, 42 गेंदे 44 रन। राजू अंबी फाइल लेके एरिया में खूबसूरती से खेल दिया वहां पर, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद आसानी से किरण। क्या दिलेरी से बल्लेबाजी चलती हुई शिवाजी पाटलकर इनकी ओर से। स्लोर गेंद की कट किया ऐसे रन लेने की कोशिश मगर मना किया। क्या बढ़िया संयमी पारी चलती भी शिवाजी पाटलकर द्वारा। राजू अंबी की अगली गेंद ये पिक किया ऐसे फाइनल एरिया में पीछे खिलाड़ी और बढ़िया फील्ड ये खतरा हो सकता वहां पर देखना होगा और डायरेक्ट थ्रो। अंपायर नॉट आउट देखना होगा क्या चांस लेंगे। दर्शक भी देखते हैं अपने अपने मोबाइल पर
थोड़ा सा रिवर्स ले लीजिए पीछे और देखिए अपने मोबाइल पर लाइव टेली का चल रहा है। राजू अंबी, शिवाजी पाडळकर, पैर से टकराए, कलाइयों को मोड़ना चाहते थे, मिडिल स्टंप के बीच में आए। किफायती गेंदबाजी राजू अंबी द्वारा। ये बढ़िया शॉट पॉइंट की दिशा में खेल दिया वहां पर, मगर अच्छी फील्ड रहीम द्वारा। रहीम सोलापुर ने पॉइंट की दिशा में एक कैच ड्रॉप जरूर किया था, मगर रहीम सोलापुर भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक और अच्छी गेंद और की समाप्ति। चार ओवर का खेल खत्म हो गया। चार ओवरों के समाप्ति के बाद रन बने 25 रन। यहां से अभी भी 36 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए 41 रन। 36 बॉल्स एंड 41 रन रिक्वायर्ड। किसे लाएंगे देखना होगा। रहीम सोलापुरे भी है, चेतन आमने है अभी भी गेंदबाजी को लाने के लिए, अशोक बंडगर है, भाई गेंदबाजों का भंडार है इनके पास। इनके पिटारे में से किसे लाएंगे गेंदबाजी के लिए। ये बड़ा मंच है और ये बड़ा मुकाबला। इच्छा कीजिए प्रीमियर लीग टेनिस बॉल, ये जिम्नाशियम, इस मैदान पर जो ये लाजवाब टूर्नामेंट लिया गया, इस टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल का मैच। रवि जी छाजड़ सर, वेलकम, स्वागत है कमेटी की ओर से। वेलकम सर, कम टू द स्टेज। क्या यहां से एक मोमेंटम बदलेगा, क्या कहानी बदलेगी। अशोक बंडगर को लेकर आए गेंदबाजी के लिए। ये पिकिया मिड विकेट एरिया में उछले गेंद, सर के ऊपर से निकलती हुई इन द क्राउड, लवली शॉट, ये अच्छा शॉट है। ये जगह बनाकर खेल दिया इसे मिड विकेट एरिया में, जमीन से खेला हुआ ये शॉट। जब देखिए राजू अंबी फील्ड कर दे, सचिन धवन थे, इनकी तरफ से इनाम दिया जाएगा 200 रुपए का इनाम, अगर एक विकेट लेने में सफल होते हैं तो। शिवाजी और द स्ट्राइकर, अच्छी गेंद, हल्के हाथों खेल दिया रन लेने की, चुराया एक रन। अंदर आने वाली गेंद को सम्मानजनक खेल रहे हैं शिवाजी पाडळकर, जानते ये बड़ा मैच है। द स्ट्राइकर कपिल जासूस, ये सीधे बल्ले से उड़ाया गेंद को, चेतन आमने गेंद के नीचे और ड्रॉप कैच, मगर जब तक फील्ड करते दो रन लेने में सफल हुए। रिवर्स गए, पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थे और क्या ड्रॉप किया। ये छठा कैच ड्रॉप किया। ये बढ़िया शॉट है, ये देख रहा होगा अंपायर डिसीजन,
ये राज मेटल 6 रन देने वाला शॉट है। ऐसे खेलते हैं ऐसे 6 रनों के लिए। ये पिकिया पॉइंट की दिशा में जब तक रहीम इसे फील्ड करते और की समाप्ति। खोद के निकाल दिया ब्लॉक होल की भी गेंद मिड विकेट एरिया में खेल दिया इसे जब तक अशोक बंडगर इसे फील्ड करते। उनतीस गेंदे 26 रन। अब पीली जर्सी भारी पड़ती हुई ब्लू जर्सी के ऊपर। ये अच्छी गेंद चेतन आमने द्वारा। अट्ठाईस गेंदे 26 रन। शिवाजी पाटलकर के दांत देने होंगे जिस तरीके से दिलेरी से एक चौर से बल्लेबाजी चलती हुई इनकी ओर से। ये बढ़िया शॉट है। ये ऊंचाई तो काफी मिली मगर लंबाई नहीं मिल पाई और इसीलिए वन।
किनारा लिया और सर के ऊपर से गेंद जाती भी डिक्लेयर के रूप में एक रन। चेन्नई सुपर किंग पूरी तरह हावी होती भी। कफिल जासूस ये स्ट्राइकर काफी अच्छी विकेट कीपिंग। राजू अंबी दौरा डैक्सन स्पोर्ट्स अब चाहे तो भी नहीं ले सकते रिव्यू। एक रिव्यू था वो भी चला गया है। हर टीम को केवल एक ही रिव्यू मिलेगा। ये मौका गवाया राजू अंबी। बारे किनारा था वहां पर काफी जल्दबाजी कर गए। एक और मौका दे दिया भाई। सात कैच ड्रॉप। अब यहां से 24 गेंदे और रन चाहिए अभी भी 21 रन। दोनों संघाने तैयार रहा है एसपी स्पोर्ट्स आणि डैजल स्पोर्ट्स। दोनों संघाने हा सामना संपल्यानंतर लगे मैदान जाएगा है। मैदानात लाइनअप करून घ्यायचा आहे। टॉस होईल। चौबीस गेंदे 21 रन। द 24 बॉल्स एंड द 21 रन रिक्वायर्ड। न्यू गेंदबाज रहीम पटकी भी गेंद खूबसूरती से खेल दिया इसे। ये कड़क शॉट है मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद डीप ऑफ साइड की दिशा में केवल एक ही रन। जॉर्डन जी देखिए जिस तरीके से शिवाजी पाटकर ने बल्लेबाजी की अंदर आने वाली गेंद को हल्के हाथों खेला। जानते हैं बड़ा मूवमेंट है। ये पिक किया ऐसे ऑन साइड एरिया में मगर हाथों में गेंद। रहीम एक बैक जो दिला। न्यू बैट्समैन राहुल नगरकर। रहीम की अगली गेंद का सामना करेंगे राहुल नगरकर। एक और अच्छी गेंद सटीक गेंद। लीग मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे राहुल नगरकर। ये उड़ाया गेंद को मिड विकेट एरिया में मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद। रहीम सोलापुरे क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कीट हो रही अंदर की तरफ गेंद टप्पा गिरने के बाद। 20 गेंदे 19 रन। अभी भी ये मैच दोनों तरफ। ये शॉट ऑफ लाइन गेंद खेल दिया इसे फाइनल एरिया में। देख रहा होगा अंपायर डिसीजन केवल एक रन। हाँ बॉली गेंद कर गए थे उसका पूरा मौका उठाया। उन्नीस गेंदे 18 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद भाई रहीम सोलापुरे में कमाल की गेंदबाजी की। अब तक पहली गेंद पर एक रन उसके बाद एक विकेट चिपकाया उसके बाद डॉट गेंद उसके बाद केवल एक रन फिर एक रन। सही समय पर इस्तेमाल किया रहीम सोलापुरे को। इस ओवर की आखिरी गेंद
संयमी पारी चलती भी शिवाजी द्वारा। ब्लॉक वॉल की भी गेंद, लॉन्ग ऑफ एरिया में खेल दिया गणेश माल के, जब तक गेंद पर जाते वहां पर दो रन पूरे कर लिए और की समाप्ति। प्रेशर वाला मैच, जो टीम जीतेगी भाई उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे फाइनल के लिए। ये सीधे बल्ले से खेल दिया वहां पर गणेश मल के गेंद के ऊपर जाते हुए, और बढ़िया स्टॉप, काफी अच्छी फील्ड गणेश मल के द्वारा। दौड़ लगाई 17 गेंदे 15 रन फाइनल के जाने के लिए, फाइनल के दरवाजे खुलने के लिए केवल 15 रनों की जरूरत। यह बड़ा शॉट है, यह अच्छा शॉट है, यह 4 रन देने वाला शॉट है। नंतर जो टॉस होणार आहे ते रवी झाजड साहेब आणि प्रवीण जी अग्रवाल ह्या दोन मान्यवरांच्या हस्ते सामन्याचा टॉस होईल। ह्याच्यानंतरचा सामना आणि दोन्ही संघांना विनंती आहे, त्यांनी स्टेज समोर यायचं आहे, स्टेज समोर यायचं आहे दोन्ही संघ। ये मौका है नीचे खिलाड़ी, ड्रॉप कैच, गेंद को ढूंढ रहे वहां पर। मैंने शुरू में कहा आज काफी खराब फील्ड हुई है डेक्सन स्पोर्ट्स की ओर से, ये जो क्या छूटा है उदयबाजी 10वां कैच ड्रॉप किया। एसपी स्पोर्ट्स आणि डेजर्ट स्पोर्ट्स या दोन्ही संघांना विनंती आहे, त्यांनी स्टेज जवळ यायचं आहे प्लीज। एसपी स्पोर्ट्स आणि डेजर्ट स्पोर्ट्स या दोन्ही संघांना विनंती आहे, त्यांनी स्टेज समोर यायचं आहे आणि कडन यायचं आहे मैदानात। ना अच्छी गेंद धैर्यशील द्वारा, केवल 10 रन पीछे है, सॉरी 9 रन। विनायक सोनी ये खूबसूरती से खेल दिया इसे, डीप लॉन्ग ऑफ एरिया में केवल 2 रन।
राहुल खामकर, विनायक स्वामी आपली टीम घेऊन इथं स्टेज समोर यायचं आहे। ये बढ़िया शॉट, क्या बढ़िया तरीके से पिक किया इसे। गेंद जाती विमान बॉन्ड चौके के लिए। भाई पूरी तरह अब जीत की दहलीज पर गणपति कट्टा स्पोर्ट्स की टीम फाइनल के लिए केवल 3 रन पीछे है। डॅझल स्पोर्ट्स, डॅझल स्पोर्ट्स यायच्या इकडं, डॅझल स्पोर्ट्स आणि SP स्पोर्ट्स दोन्ही संघांनी स्टेज समोर यायचं आहे। दोन्ही संघांना विनंती आहे त्यांनी लवकर यायचं आहे। नो बॉल और डिक्लेयर के तौर पर 1 रन। केवल नो बॉल, फ्री हिट। किनारा लिया डिक्लेयर के तौर पर 1 रन। अब केवल 1 रन फाइनल में प्रवेश करने के लिए गणपति कट्टा स्पोर्ट्स पीली जर्सी को केवल 1 रन ही चाहिए। ये कड़क शॉट और इसी के साथ गणपति कट्टा स्पोर्ट्स फाइनल में क्वालिफाई कर गई। डॅझल स्पोर्ट्स यायचा लवकर, डॅझल स्पोर्ट्स आणि SP स्पोर्ट्स स्टेज समोर यायचा लवकर।